रास्ते से हम गोड्डा जा रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि गोड्डा में लोकसभा चुनाव है, महापर्व का चुनाव है, तो इस रास्ते से जा रहे थे तो मुझे यहाँ पे लगभग दर्जनों गाड़ी नज़र आई, सैकड़ों की संख्या में लोग जनसैलाब नज़र आए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रुक करके कुछ बात करना चाहिए कि आखिर गोड्डा लोकसभा में क्या चल रहा है। इन तमाम सवालों के साथ हम अभी इन लोगों से कुछ चर्चाएं करेंगे कि देखेंगे आखिर क्या है, कहाँ जा रहे हैं लोग। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम प्रताप यादव हुआ। अच्छा, एक जनसैलाब देख रहे हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये हम लोग गोड्डा जा रहे हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। किसका नॉमिनेशन है? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो हमारे प्रदीप यादव जी को जो टिकट मिला है। अच्छा। उसी का नॉमिनेशन में हम लोग सब जा रहे हैं। अच्छा, गोड्डा लोकसभा में इस बार क्या चल रहा है? एकदम सारे जनता सभी भाई बंधुओं को हृदय में बस गया है कि अब की बार देश का इज्जत बचाएगा तो इंडिया गठबंधन ही बचाएगा, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे और जैसे होगा तैसे उसको जिताएंगे। तो मतलब इस बार आप जो जकड़न था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, झूठा सांसद, यह इस बार झारखंड से बिहार की तरफ भाग रहा है, गंगा पार हो रहा है, या इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। कह रहे हैं कि इस बार तो हम पूरा मतलब 9 लाख से जीत रहे हैं प्रचार। अरे वो कर क्या रहा है, जितना भी आदमी है और जो आदमी खेत खलिहान में काम भी कर रहा है वह भी उनके झूठ को पकड़ रहा है। अभी लाइव वह दिखला रहे थे। अच्छा। लाइव वह दिखला रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमको भाई बेटा की तरह मानता है, पैर छू करके मैं प्रणाम करता हूँ। यह क्यों कह रहा था? यह गोड्डा लोकसभा के अंदर में सिंपैथी लेने के लिए कर रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नहीं बल्कि महादलित से आते हैं, और आपने देखा होगा पिछले दिन नामांकन के समय में उनके स्टेज पर कौन कौन थे, पिछड़ा जाति से चुना हुआ विधायक गोड्डा के, उनको नीचे बैठना पड़ा। अच्छा, महिलाओं का तो अहम योगदान होता है चुनाव में हो या घर की स्थिति, तो क्या लगता है और महिलाओं को इस पर क्या बिंदु करना चाहिए, किस ओर वोट करना चाहिए महिलाओं को? महिलाओं को सबसे पहले वोट करना चाहिए, ये बात तो अभी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप पूछ रहे थे, हम बोल रहे कि महिलाओं को जो गुमराह करके रखे हैं अभी सरकार, 5 केजी चावल दे के, वो हम चावल नहीं खाने वाला है, बहुत खा लिया आप, नहीं खाएंगे। महिला को कहना है कि हम सुरक्षित से जिएंगे, बाल बच्चा को शिक्षित देंगे, आगे बढ़ेंगे, सबसे प्रॉब्लम यही है। अच्छा, देश में क्या है, बेरोजगारी मतलब कि पे वोट करना चाहिए या विकास पे वोट करना चाहिए, किस पे वोट करना चाहिए, देश में किस प्रकार स्थिति है? देश में इस प्रकार की जो अभी यहाँ पर है सब आदमी और जितना भी युवा है, तो जो नहीं पढ़े लिखे है तो देखिए वो मैकेनिक बन रहा है, कोई काट मिस्त्री को, राजमिस्त्री को, और कुछ जो पढ़े लिखे युवा है वो बेरोजगार है, रोड पे बोल रहा है, तो इसलिए इस पे मुद्दा पे सब वोट देने के लिए जा रहे हैं लेडीज और जेंट्स से कि आपकी बार हम चुनाव जिता कर राहुल गांधी को साथ देंगे और भाजपा को भगाएंगे, बस इसी बात पे। तो हमारी जनमत यात्रा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में है, देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITM के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।